गाइस आपको पता है मुझे 5 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे और मैंने कहां कहां वीडियो नहीं बनाई। शुरू की थी मैंने अपने घर से, स्टोर रूम को मैंने बहुत फैंटास्टिक स्टूडियो बनाया था। उसके बाद जो है मैंने एक और रेंट की थी स्पेस और वो थोड़ी बड़ी थी, वहां पर ही प्रोडक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद फिर मैंने एक और स्पेस ली जो कि बहुत प्रोफेशनल जगह पे थी और फाइनली अब हमने ये स्पेस ली है। और इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि हमारा कॉन्टेंट जो है बहुत ज्यादा प्रोफेशनल, इनफैक्ट हर कोई तारीफ कर रहा है कि भाई कमाल काम कर रहे हैं। ये एक्चुअल फीडबैक हम लोगों को मिला और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो स्टूडियो में आने के बाद हुआ है जो इतना बड़ा ऑफिस हमने लिया है, क्योंकि अब हम शांति से काम कर पाते हैं। एक इंसिडेंट बताता हूँ जो 2021 में मेरे साथ हुआ था। एक बार मैं लोन लेने गया था बैंक से और उस टाइम पे बैंक वालों को कहना था कि यूट्यूब तो एक हॉबी होती है, यूट्यूब काम नहीं हो सकता। उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि मैं यूट्यूब को इतनी प्रोफेशनल तरीके से करूंगा कि भाई कोई इसको हॉबी नहीं बोल सके। अब मैं आपको पूरा स्टूडियो दिखाता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि भाई इतने बड़े स्टूडियो की क्या नीड थी। सारी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस एरिया को देखो, ये जो है रिसेप्शन एरिया है और ये हम लोगों ने बहुत दिल से बनाया है। हालांकि हमने जो है इंटीरियर डेकोरेटर हायर किया था क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे चीजें बनाने में, तो हम जो है गलती अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो चीजें भी हमने एक से एक खरीदी है। बुद्धा जी हमने लगाए हैं, हम लोग पीस में बिलीव रखते हैं। अब जगह जगह स्टूडियो में बुद्धा जी को देखोगे। ये चेयर का सेट हमने खरीदा है, इसके ऊपर भी रिकॉर्डिंग चलती है भाई और पॉडकास्ट वगैरह का भी सेटअप बन जाता है। ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर जो है वर्क एनिवर्सरी आ गई किसी की वो सेलिब्रेट हो जाता है, या फिर किसी का बर्थडे हो वो सेलिब्रेट हो जाता है। ये एरिया हमें बहुत अच्छा लगा है। और पर्सनल बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि पहले वाले स्टूडियो में पता क्या प्रॉब्लम थी, कोई भी पैकेज आया भाई वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ती थी, हम शूट नहीं कर पाते थे, इतने पैकेजेस आने लगे थे। अब जो है रिसेप्शन एरिया है, कोई आता है सीधा यहाँ पर सामान रख देता है और वो चला जाता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये बहुत छोटी सी बात है भाई, इसके लिए नया स्टूडियो की क्या सेंस बनती थी, बट ये एक रियल प्रॉब्लम बन चुकी थी हम लोगों के लिए, शूटिंग इम्पॉसिबल होती जा रही थी। बाकी हमने यहाँ पर शीशा भी लगा रखा है क्योंकि यार खुद को देखना पड़ता है वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा देते हैं सही रहेगा। और चीजें दिखाता हूँ गाइस, वैसे ये देखो कितना सही टेक्सचर यहाँ पर बनाया है। इस वॉल का अभी तक यूज नहीं लिया है, धीरे धीरे हर एक चीज का यूज लेंगे। ये पार्टीशन भी बहुत सोच समझ के क्रिएट कराया था। ये है मेरे हिसाब से इस नए स्टूडियो की शान, क्योंकि हमने जो है अब फाइनली वर्क स्टेशन क्रिएट करा दिया। और उसके पीछे बहुत वैलिड रीजन है कि हमने वर्क स्टेशन क्यों क्रिएट कराया है। टाइम गाइस ऐसा होता था, लगा लो इतनी स्पेस थी हमारे पास शूट करने की, क्या तो वीडियो शूट हो सकती थी या फिर वीडियो एडिट हो सकती थी। अब एटलीस्ट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सिर्फ एडिटिंग एरिया है और यहीं पे जो है चीजें लाइक कंटेंट की भी रिसर्च यहीं पे होती है और प्रोडक्शन का भी काम यहीं पे होता है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ क्या है। एक तो हर एक चीज जो है सर्वर से कनेक्टेड है, हर एक कंप्यूटर, और हमारे पास जो है 42 टेराबाइट का सर्वर है, मैं वो भी दिखाऊंगा। और हमारे पास यहाँ पर iMac है, ये जो है हमने सिर्फ फोटोशॉप के लिए रखा हुआ है, जो भी थंबनेल क्रिएट करने होते हैं। ये वाली मशीन भी जो है एडिटिंग के लिए अच्छी है, बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि 10G सर्वर कनेक्ट नहीं होता, तो हमने इसको भी जो है SSD के थ्रू हम एडिटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। और ये जो है मैक मिनी है और ये 10G सपोर्ट करता है, देखो ये 10G वाली वायर है, सारी चीजें ढंग से बताऊंगा आगे चलते हुए। और ये जो है सुपर पावरफुल मशीन है मेरे को कहना पड़ेगा, और बहुत वैल्यू फॉर मनी है यार ये। इसके साथ अल्ट्रा वाइड मॉनिटर ये कनेक्ट कर दिया है, अल्टीमेट एडिटिंग इसमें भी हो जाती है। बाकी हमारे पास जो है विंडोज वाले सिस्टम है और यहाँ पर गेमिंग माउस भी कनेक्टेड है, इनफैक्ट यहाँ पर एक और स्क्रीन है। अब यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, लगाएंगे। PC बिल्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने जो ये पार्टीशन क्रिएट किया ना, यहाँ पर सारी जगह पे प्लांट्स लगाए हैं। इसके पीछे का पता क्या रीजन था, कि हमें घुटन महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव काम है ना यूट्यूब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक है, घुटन है स्टूडियो के अंदर, तो ये जो है एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करता है। बाकी मैं आप लोग को सबसे पावरफुल सिस्टम दिखाता हूँ, ये है मैक स्टूडियो और ये जो है काफी सही परफॉर्म करता है। और इस स्टूडियो डिस्प्ले भी हम लोगों ने ली है और इसकी जो कलर एक्यूरेसी अच्छी है, बट महंगा बहुत ज्यादा आ रही है। बाकी सिस्टम से याद आया, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आज भी हम इंटेल के मैक्स यूज करते हैं, ये भी सही परफॉर्म कर रहे हैं। 84GB रैम जो है काफी हद तक हेल्प कर जाती है, इसमें 84GB रैम है। वैसे इंटेल i9 10 कोर प्रोसेसर है इसके अंदर। और हाँ, पिछले वाले स्टूडियो में ना स्टोरेज की बड़ी कमी पड़ती थी, हमने सारी स्टोरेज क्रिएट करवा दी है, अब सब जो है अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं और ऐसी जो है दुनिया भर की स्टोरेज है। और इस वाली एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ऑब्वियसली लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाता है, सारी जगह पे सर्वर भी कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे पास 10G वायर्स है। ये जो है कैमरा बैग है, गिम्बल का बैग, एक और गिम्बल का बैग,
लेंसेज के सारे पोर्टफोलियो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो भी यूज़ में आता है लोग ले सकते हैं। ये चार्जिंग स्टेशन भी है, यहाँ पर कैमरा की बैटरीज वगैरह चार्ज होती है। और कैमरास की अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 5 कैमराज है, सारे सोनी की है। 2 जो है सोनी A7S3 है और 3 जो है सोनी A7III है। भाई फैंटास्टिक कैमरास, बहुत क्रेजी परफॉर्म करते हैं यार ये। बाकी इसको मैं दिखाता हूँ, ये LC है, ये यार बहुत सही लाइट है यार। अगर कहीं पे भी किसी को लाइट चाहिए हो ना, ये बस चार्ज करनी होती है और ये बहुत लंबी चलती है और इसमें कलर्स भी आते हैं। ये बड़ी हेल्प करी है हमें, कोई भी कंटेंट क्रिएटर है एक ये खरीद ही लो यार। और हाँ गाइस, अगर हमारा सर्वर ना चले ना, हमारे पास बहुत सारी सैमसंग की T7 SSD है, ये ओवर टाइम हमने खरीदी है धीरे धीरे, फिर बाद में सर्वर लिया था। अब सर्वर की बात चली रही ना, मैं आपको सर्वर ही दिखा देता हूँ। वैसे ना इससे पहले ये देखो, सब्सक्राइब टू टेक बार, जैसे आपने किया नहीं तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वैसे यहाँ पे स्केड्यूल बनता है, अभी ये लिखा हुआ है वो आपको दिखा नहीं सकते, कई चीज़ें छुपाने वाली है। और ये जो है बुरा है दिखने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये है 42 TB का हमारा सर्वर। और ये सबसे मेन चीज है, सारी 10G वायर्स है और काफी फास्ट है ये। और काफी सारे क्रिएटर्स यही गलती करते हैं सर्वर बनाते समय, क्योंकि वीडियो एडिटिंग हो रही है तो 10G में ही हो पाएगा और ये काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात है, हमने भी किया भाई, बट हाँ काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। बाकी हमने 2 ब्रॉडबैंड लगवा रखे, एक एयरटेल और एक स्पेक्ट्रा, दोनों जो है 1 Gbps के है। और 2 ब्रॉडबैंड हमने इसलिए लगवाए हैं क्योंकि पहले वाले स्टूडियो में हमें यही प्रॉब्लम थी कि भाई कभी भी इंटरनेट चला जाता था, तो हमने एक बैकअप हर चीज का रखा हुआ है। स्टूडियो की थीम ही यही है, बैकअप जरूरी है। बाकी ये वाला एरिया मेरा फेवरेट है, काफी एस्थेटिकली सुंदर लगता है यार ये। यहाँ पर भी बुद्धा जी हमने रखे हुए हैं और ये भी पीस को लाइक सिंबलाइज करते हैं और ये लाइटिंग इफेक्ट काफी कूल लगता है। और यहाँ पर ये हाई चेयर्स रखी हुई है, चिलिंग जोन है ये, जो भी रिलैक्स करना चाहता है या फिर इनफैक्ट यहाँ पर बैठ के कोई भी रिसर्च करना चाहता है, मर्जी है भाई सबकी। ये एरिया मुझे बहुत कूल लगता है, मैं यहाँ पर काफी बैठता हूँ। और हाँ, स्टूडियो में घुसते ही हमने गोल्डन प्ले बटन लगा रखा है यार, ये तो काफी मेहनत के बाद मिलता है, ये तो लगाने वाली चीज है। बाकी ये वाला रूम आप लोग को मैं दिखाता हूँ। वैसे एक और कोट लगा रखी है यहाँ पर, बी काम बी स्ट्रॉन्ग बी ग्रेटफुल, जगह जगह हमने चीजें लगाई हुई है जिससे मोटिवेशन फील हो। ये जो है कंटेंट रूम है और यहाँ पर होती है रियल डिस्कशन, जब भी कोई वीडियो बननी होती है ना यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं हम। पहले वाले ऑफिस में ये भी प्रॉब्लम थी, ऐसी कोई जगह ही नहीं थी जहाँ पर बैठ के आराम से डिस्कस कर पाए, ये भी सॉल्व हुआ। ये चीज आप लोग को पसंद आएगा, जैसे कि मैंने बताया था हम प्रोफेशनल और बेटर मैनेजमेंट की तरफ गए हैं, तो अब हमने फोन्स की एक पार्टीशन क्रिएट कर दी है। जैसे कि यहाँ पर जो है OnePlus और Samsung रहेगा, यहाँ पर Realme, यहाँ पर Oppo, ऐसे ही हमने सबको पार्टीशन क्रिएट करे और दुनिया भर के फोन है। और रिसेंटली हम लोगों ने एक और चीज डिसाइड की कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हम लोग नीडी लोगों को फोन्स देंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ फोन्स है देने को। अभी हमने काफी लोगों को दिए हैं जो भी हमारे अराउंड थे, बट हमारे पास कुछ फोन्स पड़े हैं जो कि हम जरूरतमंद लोगों को देना चाहते हैं, बट एक सिस्टमैटिक वे में करना है सब कुछ, कैसे होगा वो देखते हैं। बाकी यहाँ पर एक और स्टोरेज वाला एरिया है, यहाँ पर आप लोग जो वर्स्ट टू बेस्ट देखते हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। लैपटॉप्स है, इसके अंदर साउंड बार भी है, ईयरफोन्स भी है, दुनिया भर की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे पास इतने सारे तो हेडफोन्स ही पड़े हैं, देखो जैसे हमारे पास हेडफोन्स पड़े हैं, नेक बैंड है, TWS तो बहुत सारे पड़े हैं, स्मार्ट वॉचेस भी काफ़ी सारी है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम चाहते हैं कि जिन लोगों को नीड है उन तक पहुँचे, होपफुली यार हम लोग सक्सेसफुल भी होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, जगह जगह पे जो है कोट्स लगी हुई है जो कि मोटिवेटिंग है, और एस्थेटिक्स के लिए हमने जो है अलग अलग पेंटिंग भी यूज़ करी है, सब कुछ जो है मोटिवेशन और एक वाइब को देखकर यहाँ पर लगा रखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। वैसे ये वाला जो रूम मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो अभी रेडी नहीं है। ये जो रूम है ना, अभी हम लंच के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आप देख रहे होगे यहाँ पे कारपेट फ्लोरिंग अभी चल रही है, इसको धीरे धीरे बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ इसको गेमिंग रूम भी बनाऊँ, साथ में पॉडकास्ट का एक सेटअप बना लेंगे, सब कुछ जो है काफ़ी डिफरेंट दिखेगा। अभी धीरे धीरे बना रहे हैं, बट यहाँ पर एक्सबॉक्स रखा हुआ है, अब देखो गेमिंग करते हैं हम यहाँ पर। प्लस यहाँ पर टीवी भी है, साउंड बार भी है, तो नेक्स्ट लेवल गेमिंग हो जाती है। देखते हैं कि इस रूम को हम कैसे बनाएंगे, अभी तक स्टूडियो में यही नहीं बनाया। और इस साइड जो है मैंने अपने पापा की फोटो लगा रखी है, और यहाँ पर जो है नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले एरिया में भी हमने एस्थेटिक्स को बेटर करने के लिए टुगेदर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी ऐसी कोट लगा रखी है। बाकी मैं आपको ये वाला एरिया दिखाता हूँ जो अंदर वाली साइड है, ये काइंड ऑफ
स्टोर रूम भी है और मल्टीपर्पज एरिया है हमारे पास जो है, क्योंकि कारपेट फ्लोरिंग करवा रखी है हमने पूरे ऑफिस में, तो हमने ऐसे डायसन 2 ले रखे हैं सफाई के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े बॉक्सेस आ जाते हैं और अंदर की साइड जो है इधर किचन है। और लास्ट वाले ऑफिस में भाई कोई किचन की एज सच बड़ी स्पेस नहीं थी, हमारे पास रखने की जगह नहीं थी कुछ भी। अब तो फ्रिज भी रखा जाता है, पानी का भी हिसाब किताब ठीक हो गया है, चीजें जो है अब एक से एक है, प्रॉपर किचन हो गई है। बाकी इस वाले एरिया में जो है वॉशरूम है। पता है पहले वाले ऑफिस में हमारे पास एक ही वॉशरूम था, सबको वेट करना पड़ता था। अब ये चीज तो सॉल्व हो गई है कि इनफ मतलब स्पेस है, स्टोर रूम भी है, वॉशरूम भी है, किचन भी है। आगे दिखाता हूं मैं आप लोग को। अब नेक्स्ट कैबिन दिखाने से पहले ये वाला एरिया जो है ना अभी हमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि मैंने बताया ऑफिस धीरे धीरे बनाएंगे यार, तो यहां पर अभी तो ये स्केच है, ये हमारे एक टीम मेंबर ने क्रिएट करा है। सच में काफी ब्यूटीफुल यार आर्ट लगी मेरे को ये। ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट दिया था और यहां पर जो है टीम मेंबर्स की फोटो लगेगी और सिल्वर प्ले बटन, ये काफी अच्छा यार। अब चलते हैं रूम में। ये मेन कैबिन है और इसके अंदर दिखाता हूं मैं आप लोग को। ये भी बहुत सुंदर बना हुआ है यार, ये काफी एस्थेटिकली मैं बोलूंगा काफी प्रोफेशनल वाइब देता है ये वाला कैबिन। और थैंक्स टू आवर इंटीरियर डेकोरेटर, उसने काफी ग्रेट लुक्स बनाए हैं। ये देखो गाइस मैं आपको दिखाता हूं, अमेजिंग व्यू आता है यार इस वाले एरिया से। मतलब इतना मोटिवेटिंग या कभी कभी तो रिलैक्सिंग हो जाता है इसके, जस्ट होता ना काम करने के बाद ये व्यू मिल जाए तो वो अच्छा लगता है। बाकी यहाँ पर जो है एक रिक्लाइनर है, अगर काम ज़्यादा हो जाए तो आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो है ना ये पर्सनल वॉशरूम है। और हाँ यहाँ से बालकनी में जा सकते हैं, बट वो दूसरा रास्ता भी है, वहाँ से दिखाऊंगा। तो ये था मेन कैबिन, इसको कर देते हैं बंद। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मैजिकल प्लेस में, जहाँ पर हमारी वीडियो शूट होती है। यहीं पे हम लोग शूट करते हैं गाइस, यही है वो रूम जहाँ से आप सारी वीडियोस देखते हो। यहाँ पर खैर PS5 लगाया हुआ है क्योंकि टीम जो यार काफ़ी थक जाती है, तो सच में गेमिंग जो है स्ट्रेस बस्टर होता है। यहाँ पर TV कनेक्टेड है, काफ़ी सही गेमिंग हो जाती है। PS तो मैं भी खेलने लगा हूँ, पता है मैं पहले बिल्कुल नहीं खेलता था, धीरे धीरे मैं भी सबके साथ होता है ना शौक हो जाता है, तो भाई शौक में मैं भी खेल लेता हूँ। बाकी हमने यहाँ पर ये नया सेटअप क्रिएट करवाया, देखो नियॉन लाइट से कितना कूल इफेक्ट वाला एक नेटवर्क या वेब आप इसको बोल सकते हो ये है। बाकी हमारे पास ये माइक है, ये है सनाइजर MKH 416 और ये सुपर प्रोफेशनल माइक में से एक है। ये लाइट बहुत ह्यूज है, इसी हमने अब 2 ले ली है। ये है SL150W, काफ़ी सॉफ्ट लाइट है। और ये है वो सेटअप जो आप लोग वीडियोस में देखते हो मैं ऐसे बैठा हुआ होता हूँ। और मैंने ये चीज़ यार ओवर टाइम समझी है इतने साल काम करके, कि यार कॉन्टेंट में दम होना चाहिए, बैकग्राउंड से कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली आपको एक अच्छी सी स्पेस चाहिए जहाँ पर आप शांति से काम कर सको, और वो चाहे बड़ा रूम हो छोटा रूम हो, हमने जो है छोटी स्पेस क्रिएट करी हुई है जिससे हम अच्छे से शांति से काम कर सके और आप लोगों को बेस्ट तरीके से यार गाइड कर सके। बाकी मैं चाहता तो यहां पर खर्चा कर लेता, बट उसकी सच में सेंस नहीं बनती, ये धीरे धीरे समझ में आई बात। अब मैं आप लोग को दूसरे रूम में लेकर चलता हूं। ये रूम में जो है ना खास बात ये कि अकोस्टिक फोम लगी हुई है छत पे, तो आवाज गूंजती नहीं है। सेम हमने एक और रूम क्रिएट करा हुआ है ये वाला, यहाँ पर भी ऊपर की साइड जो है अकोस्टिक फॉर्म लगी हुई है, इसलिए आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है। बाकी इस वाली एरिया में वो सारा सामान है जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे कि रिंग लाइट। सिर्फ टिकटॉक वाले यूज़ नहीं करते भाई, प्लीज़ जज मत करना, काफ़ी लोग करते जज। बाकी ट्राईपोड्स हमारे पास बहुत सारे हैं और प्रॉप्स बहुत सारे हैं, जैसे कि ये लाइट आपने बैकग्राउंड में काफ़ी बार देखी होगी। इनफैक्ट मैंने इन दिनों में ना काफ़ी खर्चा किया है यार प्रॉप्स के ऊपर। ये नया जो है ग्लोब लिया है मैंने, काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट ऐसे मैंने 2-3 लिए हैं जो कि वीडियो में काफ़ी अच्छे लगते हैं। ट्रांसपेरेंट वाला मेरा पर्सनल फेवरेट चल रहा है, बड़ा प्रीमियम लगता है। और आपने देखा होगा जब भी हम फोन को शूट करते हैं ना पीछे ये रखी होती है चीज़ें, और ये काफ़ी कूल होते हैं, इनको प्रॉप्स बोलते हैं। चाहे हमारा बैकग्राउंड प्लेन वाइट हो, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हम इन्वेस्ट जरूर करते हैं भाई। जैसे कि यही देख लो यार, हमारे पास एक से एक चीज़ें हैं जो कि बहुत सुंदर फुटेज रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है। हमारे पास एक से एक इफेक्ट वाले चार्ट पेपर है जिसके ऊपर हम फोन रख सकते हैं, और हर एक कलर हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो वुडन फिनिश हो या फिर वो कोई भी फिनिश क्यों ना हो, हमारे पास बहुत चीज़ें गाइस। ये मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया था, इसको बाहुबली स्टैंड बोलते हैं और ये काफ़ी बड़ा है यार, इसके ऊपर आप टॉप डाउन शॉट्स ले सकते हो। और गाइस रिसेंटली हमने ना एक बहुत अच्छा स्लाइडर भी खरीदा है, इसलिए आप लोग जो आजकल बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स देख रहे होंगे, धीरे धीरे भाई प्रोफेशनल सेटअप की तरफ मूव कर रहे हैं। बाकी जो टेक बार लिखा हुआ है ना इसके अंदर लाइट भी जलती है, पहले वाले स्टूडियो में आप लोग को मैंने दिखाया था, यहाँ लगा दिया है। अब बाहर लेके चलता हूँ, बहुत अच्छा यार ये जगह। यार थोड़ा सा शोर आएगा उसके लिए सॉरी, लेकिन ये जगह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एक यहाँ पर हम कैमरा सैंपल्स ले पाते हैं आसानी से, प्लस यार ये जो आप लोग देख रहे हो ना व्यू, ये रिलैक्सिंग एक परफेक्ट वर्ड है इसके लिए। काम करने के बाद यार यहाँ पर खड़े होना, ये व्यू देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा सा हूँ यार नेचर से बड़ा प्यार करता हूँ मैं। ये वाला जो टावर है आप लोगों ने काफ़ी बार कैमरा सैंपल में देखा होगा,
तो यार बालकनी है ना एक यूट्यूबर को बड़ी नीड पड़ती है। कैमरा सैंपल लेने के लिए ना बालकनी की बहुत नीड पड़ती है। और एक और बात बताता हूँ, जस्ट शो ऑफ नहीं कर रहा, आप लोग को इंस्पायर करने के लिए बता रहा हूँ। जितनी ये बालकनी है ना, ये यहाँ पर खत्म नहीं होती, ये इतनी बड़ी इस वाले एरिया में भी है, यहाँ से बिल्कुल वहां तक जाती है। और जितनी ये बालकनी है, इतना मेरा शायद पहले वाला स्टूडियो भी नहीं था। धीरे धीरे हम लोगों ने जो है इम्प्रूव किया है, थोड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी जगह पे हम लोग गए हैं। और इस चीज में आप लोग को मक्खन लगाने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप लोगों की वजह से हुआ है, अकेले मैंने नहीं किया है। तो गाइज यहाँ पर जो है ये पूरा स्टूडियो टूर खत्म होता है, और खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहूंगा। जो भी नए क्रिएटर्स है, प्लीज डीमोटिवेट मत होना ये सब कुछ देखकर, क्योंकि मुझको 5 साल लगे ये सब कुछ क्रिएट करने में। क्योंकि मेरा ऐसा बिलीव है, आज के टाइम पे अगर कोई शुरुआत करता है ना टेक चैनल की, और अगर उसको खुद पे विश्वास है और वो अच्छे से काम करेगा, तो फॉर श्योर वो 2 साल में सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। चीजें इतनी फास्ट हो गई है। इनफैक्ट ये सब कुछ दिखाने का रीजन ये था, जिससे आप लोग भी जो हो कुछ बड़ी चीज क्रिएट करो और थोड़ा इंस्पायर हो। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो ऑडियंस मुझे देख रही है ना, जो आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग भी बहुत कुछ ह्यूज क्रिएट कर सकते हो इस सोसाइटी में। एक और बात बताता हूँ, 2021 में मैंने 2 नए बिजनेस स्टार्ट करे थे, और मैंने एक्चुअली में काफी ज्यादा कमाया उससे। लेकिन मैंने सोचा यार पैसा सब कुछ नहीं होता, दोनों बिजनेस बंद करे, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ध्यान देना था, आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें क्रिएट करनी थी। आज के टाइम पे जो भी मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं यूट्यूब पे लगा रहा हूँ। और मेरे जेन्युइनली मानना है कि अगर मैं ऐसे इन्वेस्ट करता रहा ना यूट्यूब में, तो लॉन्ग टर्म में मुझे और सक्सेस देखने को मिलेगी। और मैं आप लोगों पे भी ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे और सपोर्ट दिखाओगे, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ मैं ऐसा क्रिएटर हूँ जिसने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, फन वीडियोज भी बनाई है, तब भी आप लोग हमेशा इंटैक्ट रहे मेरे साथ। तो नो डाउट आप लोग भी मुझे पसंद करते हो, और मैं भी YouTube पे कंटेंट बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।